नहीं पंडित जी, पंडित जी नहीं है अभी। कहां यहां पंडित रुक रहे हैं, आने को देखते हैं कि यहां रहने को देखते हैं पंडित जी, हाँ ये यहां जंगल का इलाका। चाय उनको खजाना होना कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल KM व्लॉग। तो हम आए हैं श्री सिद्ध स्थल बाबा कुटी सोनेगांव मंदिर, और ये मंदिर काफ़ी यानी जंगल के बीच पर है। ये करीबन ये हमारे गांव से ये 8-9 किलोमीटर दूर है। तो गाइस यहां पे आसपास में पूरा जंगल है, तो आप देख सकते हो ये सोनेगांव के अंदर आता है ये मंदिर। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर की तरफ। तो गाइस चलिए चलते हैं अब अंदर। और गाइस हम अंदर आ गए, और आप देख सकते हो इस साइड में हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पर हम बचपन से आते थे और आज फिर आए हैं, तो अंदर जाना है हमें अब। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, और जाने से पहले हम दूर से आए हैं करके लिए पैर में थोड़ा पानी ले लेते हैं। तो चलिए गाइस अब पानी ले लेते थोड़ा पैर में और आगे बढ़ते। तो गाइज़ आप देख सकते हो मैंने जिस मंदिर की बात किया था वो श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर है, और ये आप देख सकते हो जय बजरंग बल लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पे अंदर मूर्ति रखी हुई है हनुमान जी की, और आप देख सकते हो। और यहाँ पर कोई यानी एक दादी बैठे हुए है, आप देख सकते हो उनको भी। और यहाँ पर इस मंदिर का नाम शिव मंदिर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुंजी बाबा की समाधि रखी हुई है, और यहाँ पर एक दान पेटी भी है जो आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो भी अपनी इच्छा पूर्वक डालते हैं ये दादी है। और चलिए अब चलते हैं अब अंदर। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर पूरे भगवानों की पोस्टर लगे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे पूरे पोस्टर लगे हुए हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे शिव जी की पोस्टर और बाकी भगवानों की पोस्टर लगाई हुई है। और चलिए गाइस अब अंदर चलते हैं, यहाँ से अंदर जाने का ये एंट्री गेट है, और आप देख सकते हो यहाँ पे शिवलिंग और गाय माता जी की भी मूर्ति है यहाँ पर, और त्रिशूल भी है देख सकते हो आप, ये शिवलिंग है और ये शिव मंदिर है। और गाइस आप देख सकते हो ये काफ़ी पुराना पेड़ है जो कि इसे काटा नहीं गया, इसे अभी भी उसी जैसा रखा है जिस तरीके से इसे रखना था, और इसे अभी तक काटा नहीं गया, ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये आप देख सकते हो। अब हम चलिए गाइस अब चलते हैं अब बाहर, आपको अंदर का दिखा दिए पूरा दृश्य। तो गाइस चलिए चलते हैं अब बाहर। ये मेरे साथ टिंगेश आया हुआ है, और यहाँ पे एक दादी बैठी हुई थी, चलिए इनसे पूछते हैं। दादी आप यहाँ पे रहते कब से हो? रोज दो पेड़ी गुजर गई। अच्छा यहाँ पे रोज आते हो आप? हाँ। यहाँ पे आप आते हो तो यानी काम वाम थोड़ा सा देख लेते हो, मंदिर साफ सुथरा करते हो। और ये यहाँ पे कब से ये मंदिर आपको मालूम है? बहुत साल हो गए क्या? आप कितने साल से हो यहाँ पर? आपकी यानी अच्छा अच्छा आप यानी बचपन से रहते हो यहाँ पर? हम भी आए करते थे जब छोटे थे तब, तो आज हम और आए हैं। पंडित जी नहीं है अभी, हाँ ये जंगल इलाका। यहाँ पे जंगल वंगल भी होने के कारण अभी कम कर दिया बाकी है ना। देख सकते हो आप यहाँ पे ये मंदिर, मैंने आपको पहले भी दिखाया हूँ, और ये आप देख सकते हो एक और बार। अब चलिए गाइस चलते हैं अब घर की तरफ। तो गाइस चलिए चलते हैं अब बाहर, और मुझे एक कुआं दिखा, तो वो कुआं काफ़ी गहरा था और इसे पैक कर दिया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर एक कुआं है जिससे पानी निकाला जाता है, और ये मंदिर से अब हम बाहर जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। और दोनों साइड पर शेर बनाए गए हैं, और मैंने जिस जंगल की बात किया था आपको वो जंगल आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा ये जंगल है, और उसके बीच पे ये एक मंदिर है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, और ये मंदिर आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।